सभी को नमस्कार। आज हम गुरुदेव टैगोर जयंती मना रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं, साहित्य में नोबेल प्राइज मिला है इनको। उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ और साहित्य में नोबेल प्राइज मिला, राष्ट्रगान उन्होंने लिखा और शांति निकेतन। तो सबसे पहले अंशु जी से ही हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। अंशु जी, जैसा हम बात कर रहे थे कि टैगोर होने का क्या महत्व है या गुरु जी का क्या महत्व है, गुरुदेव का क्या महत्व है हमारे पूरे हिंदुस्तान के कल्चर में, साहित्य में या हमारी परंपराओं में, तो थोड़ा आपसे स्टार्ट करते हैं अंशु जी। टैगोर का व्यक्तित्व अपने आप में नव जागरण या पुनर्जागरण का व्यक्तित्व है, जिसे रेनेसा पर्सन कहते हैं। और हमेशा जो इस तरह के रेनेसा पर्सन होते हैं वो अपने में बहुत सारी चीजें समोए रहते हैं, इसलिए हमें दिखाई देता है कि साहित्य में भी, साहित्य की हर विधा में, नाटक में, गीत में, कविता में, उपन्यास में, कहानी में और संस्मरणों में गुरुदेव का एक व्यक्तित्व है। संगीत, उनका संगीत एक अलग उसकी शख्सियत है। उनके शिक्षा संबंधी और राजनीतिक विचार, जिस पे आमतौर पे जो उनके साहित्य के विद्यार्थी हैं वो कम ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी विचार शिक्षा के बारे में और राजनीति के बारे में खासकर, और आजकल जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है हमारे लिए कि राष्ट्रवाद पे रविंद्रनाथ जी के क्या विचार थे, क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में एक अंध राष्ट्रवाद की लहर आई हुई है, और ये संकीर्णता, ये छोटापन राष्ट्रवाद के नाम पे जो हो रहा है, ये पूरे हमारे देश समाज को कहां ले जाएगा, इसके लिए बहुत पहले रविंद्रनाथ ने आगाह किया था। और राष्ट्रवाद से ज्यादा बड़े वो पूरी मानवता को संबोधित करते हैं, पूरी मानवता से बात करते हैं, लेकिन एक खूबसूरती उनके साथ है कि वो पूरी मानवता के से बात करते हुए, पूरी मानवता को संबोधित करते हुए भी उनकी जो जड़ें हैं वो खास हिंदुस्तान में और खास बंगाल में जड़े हैं, जहां की पूरी परंपरा और क्रिएटिविटी को वो अपने साथ लेके चलते हैं। भाषा को एक नया वो देते हैं, ध्वनि विन्यास देते हैं, और साथ में आप देखिएगा कि टैगोर जैसे जो भी व्यक्तित्व है, सुनील गंगोपाध्याय ने बहुत मशहूर एक उपन्यास लिखा है, 2 वॉल्यूम में है, प्रथम आलोक। तो उस दौर के तमाम लोग जो बंगाल में थे और इस रेनेसां को लाने वाले थे, रविन्द्रनाथ जिसके एकदम आगे आगे थे, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, रामकृष्ण परमहंस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, बहुत सारे वैज्ञानिक, प्रफुल्ल चंद्र रे हो, जेसी बोस हो, डॉक्टर मेघनाथ साहा हो, और हर क्षेत्र में आप देखिए, समाज सुधार से लेके, साहित्य से लेके, दर्शन, विचार, विज्ञान, हर क्षेत्र में आपको ऐसे ही कीर्ति स्तंभ, ऐसे ही एक रोशनी के स्तंभ दिखाई देंगे। ये सब लोग मिलके न केवल मानवता को संबोधित कर रहे थे, बल्कि अपने समय और समाज के जो सवाल थे, आप इन सारे लेखकों की रचनाओं में आप औरतों की दशा पे टिप्पणियां पाएंगे, आप इनमें जाति प्रथा के खिलाफ टिप्पणियां पाएंगे, आप इनमें जो शिक्षा नीति है उस पे गंभीर चिंतन पाएंगे, इसमें जो उपनिवेशवादी का विरोधी स्वर पाएंगे। तो आप ये जो लेखक है, ये जो विचारक है, ये सारे अपने समय में
बहुत धंसे हुए हैं और अपने समय के सारे सवालों से बहुत जबरदस्त मुठभेड़ करते हैं। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और अभी हम प्रोफेसर साहब से बात करें, उससे पहले हम एक वीडियो चलाते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर की यात्राओं पे है, जिससे थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व को और समझने में आसानी होगी। तो शाहीन और टीम ने बनाई है वीडियो, देखते हैं पहले। तुम्हारे ओ गो विदेशिनी, तुम्ही थाको सिंधु पारे ओ गो विदेशिनी, ओ गो विदेशिनी। 17 बरस की उम्र में रविंद्र ने पहली विदेश यात्रा की। वहाँ लंदन में वो डॉक्टर स्कॉट के परिवार के साथ रहे। उस परिवार में 3 लड़कियाँ थीं, जिनमें से एक रविंद्र को अंग्रेजी और आयरिश गाने सिखाती और गोरे रीति रिवाज भी। मैं नौकर शासन में जिया था, मेरे मन को जकड़ दिया था नौकर श्याम ने लक्ष्मण रेखा से। निकलने पर चेतावनी दी थी, घेरे से बाहर निकलते ही बड़ी मुसीबत होगी। मैं मन ही मन उस विपत्ति से डरता था, मैं मन ही मन उस विपत्ति से डरता था। स्कूल को विद्या मंदिर क्यों कहते हैं? ये सवाल रविंद्र के बाल मन को बार बार कुरेदता रहता। परिवार परंपरा के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने मास्टर घर आया करते थे, मगर रविंद्र स्कूल जाने की जिद क्या करते, जिसके चलते मास्टर उन्हें खूब पीटा करते। फिर जब स्कूल जाने लगे तो एक के बाद एक कई स्कूल बदले, नतीजतन उनका नाम पड़ गया स्कूल पालनो छेले। स्कूल पालनो छेले के स्कूल से पलाने का सिलसिला विदेशों में भी बदस्तूर जारी रहा। इंग्लैंड बैरिस्टर की पढ़ाई करने लॉ करने गए तो बीच में ही वापस लौट आए। पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, मगर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। यह कैफियत उन्हें मुसलसल परेशान करती। रविंद्र की ज़िंदगी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आया, जो उनकी ज़हनी कैफियत और उलझनों को काफ़ी हद तक सुलझाने वाला था। एक दिन पिता ने पूछा, तुम्ही के अमर साथे हिमालय जाबे? यूँ तो रविंद्र ने 5 महाद्वीपों के 40 से ज़्यादा देशों में सफ़र किया, मगर ये सफ़र उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल देने वाला था। इस सफ़र में पहला पड़ाव वो था जिसे आगे चल के सारी दुनिया शांति निकेतन के नाम से जानने वाली थी। फिर उन्होंने स्वर्ण मंदिर का रुख किया। बाबा गुरु नानक ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। फिर रविंद्र हिमालय की गोद में जा पहुँचे। प्रकृति के बीच उन्होंने खुद को अपने बहुत करीब पाया। सफ़र में पिता रविंद्र को संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, धर्म, आध्यात्म और खगोल विज्ञान की शिक्षा देते। हिमालय के आगोश में बिताए 4 महीनों ने रविंद्र की सोच और संस्कार पर गहरा असर डाला। स्वाधीनता और अनुशासन के अद्भुत संगम में पहाड़ों, झरनों, पेड़ों, हवाओं और प्रकृति की एक एक शय के बीच सीखना रविंद्र के लिए बहुत मज़ेदार हो गया। उन्होंने संस्कृत में पूरी रामायण रट डाली। प्रकृति प्रेम तो उनकी रग रग में था ही, हिमालय ने उसे और तराशा। घर लौटने के बाद वो सबको हिमालय के किस्से और संस्कृत में रामायण सुनाते। अब रविंद्र स्कूल पालनों छेले नहीं रह गए थे, बल्कि अब हर छोटा बड़ा उन्हें इज्जत की नज़रों से देखता। और फिर क्या था, रविंद्र का जादुई सफ़र शुरू हुआ। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया उनके लेखन, गायन, गीत, संगीत, कविताओं, उपन्यासों, कथाओं, अभिनय और शिक्षा शास्त्र की दीवानी हो उठी। गुलाम हिंदुस्तान के गैर सियासी सितारे की दुनिया भर में धूम मच गई। ईरान, इराक, इटली, जापान, चाइना, ग्रीस, पेरिस, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस और बहुत से देशों में सम्मान समारोह आयोजित किए गए। उन्हें व्याख्यान के लिए बुलाया जाता और पलके बिछाए उनकी आमद का इंतज़ार रहता। दुनिया भर को कदमों से नाप लेने वाले रविंद्र को जाने
कितने स्कूल बदलने के बाद, दुनिया जहान की तालीम हासिल करने के बाद, पेड़ों को नीचे बैठ के प्रकृति में रच बस के सीखना सबसे अफजल, सबसे बेहतर लगा। पुरानी एल्बम यादें तैरती, देख पाते हैं आश्चर्य से भरा बचपन, खुले आकाश के तले आजादी सोचने की, नाव की लहरों से जाने वो क्या बना रहा है, संगीत हवा पंछी के संग कौन सा राग गा रहा है, पांव की मिट्टी ढलानों की, सपनों की चाह आसमानों की, खुद से सीखो खुद से मानो, अपने संग दुनिया को जानो, प्रकृति है यहाँ साथी हमारी, पेड़ों संग अपनी ये यारी, यही दोस्त हैं यही हैं बंधु, छाया में क्लास टहनियों में अभ्यास, विज्ञान यही है प्रकृति में, कला बसी इस धरती में, यहाँ कुछ नहीं है पढ़ाई को पर सीखने को है संसार सारा। पांच छात्रों और पांच शिक्षकों के साथ शुरू हुए ब्रह्मचर्य आश्रम या शांति निकेतन में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया। पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती थीं। सारे छात्र सुबह 4 बजे उठा करते थे, नहा धोकर राग भोपाली गाते और प्रभात फेरी निकालते थे। 7 बजे से कसरत और योग के बाद कक्षाएं शुरू हो जाती थीं। 10 बजे भोजन और आराम, दोपहर बाद फिर कक्षाएं, शाम को खेल और बागवानी। इसके अलावा बंगाली, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, संस्कृत, भूगोल, विज्ञान, चित्रकला और संगीत सबके लिए ज़रूरी विषय थे। ये प्रयोग इतना कामयाब हुआ कि शांति निकेतन अब विश्व भारती हो गया था। विश्व भारती के द्वार अब सारे संसार के लिए खुल चुके थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, नोबेल विजेता, महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, ऑस्कर विजेता निर्देशक सत्यजीत रे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुधीर रंजन दास और ऐसे असंख्य हीरो ने गुरुदेव के लगाए पेड़ के नीचे बैठकर ही अपने हुनर को परवाज दी। आज भी पहली से 12वीं तक की कक्षाएं पाठा भुवन यानी पेड़ के नीचे प्रकृति के बीच रहकर ही लगती हैं। शाहिन की स्टूडियो के बाद प्रोफेसर शंकर दत्ता जी से, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस हैं शाहिन के निकेतन के, वहीं पढ़े हैं सर, कुछ बताएंगे हम वो कहानी पे चलेंगे जो आपने सजेस्ट की थी, पर थोड़ा सा अपने अनुभव अगर आप साझा करेंगे। एक्चुअली अभी जब पहले बात हो रही थी गुरुदेव की, हम ये सोच रहे थे कि ये एक्चुअली हम लोगों ने रियलिटी में देखा है शांति निकेतन में। ये जो विचार की बात हो रही थी, शिक्षा की हो या राजनीति की हो, अर्थनीति की हो, ये सारी बातें संकलित किया था उन्होंने अपनी विद्यालय में शांति निकेतन, जिसका नाम पाठो भवन है। वहां पे हम लोगों का क्लास तो पेड़ के नीचे लगती थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा, वो एक छोटी सी बात है, लेकिन तरह तरह से उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रकृति हमारे चारों तरफ है, इससे हम क्यों ना सीखें, किताबों से हम क्यों ना सीखें, किताबों से हम क्यों सीखते हैं सिर्फ, ये प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखा सकता है और उसी के साथ रहो। लेकिन उसमें बहुत जरूरी बात यह है कि ये इसमें शिक्षक का एक बहुत अहम भूमिका आ जाती है। मुझे एक छोटा सा घटना याद है, जब हम क्लास 2 में थे, द्वितीय श्रेणी में, तो शांति निकेतन में तो वैसे ही कोई नियम पाबंदी ये सब बहुत कम होते थे, सबको फ्रीडम देना शिक्षा की एक बहुत बड़ी बात थी।
तो हमारे क्लास में एक लड़का था, हमारा एक क्लास गणित का जो क्लास था वो लगता था एक आम के पेड़ के नीचे, और आम के फल लगे हुए थे, तो वो ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो हमारी गुरुजी जब आए क्लास में, हम लोग तो डर रहे थे अभी डांट पड़ेगी उसको, लेकिन उसको डांट नहीं पड़ा। उन्होंने बोला एक काम कर, ऊपर चढ़ा है ना, बहुत अच्छी बात है, वहां से मेरे को 3 आम ऊपर से फेंक दे। अच्छा, और उधर वाली पेड़, उधर वाली डंठल पे चले जा, वहां देख और 2 है, वो भी फेंक। अच्छा, और उधर देख एक और है, अब तुम लोग बोलो कितने आम हो गए। बोला 3, 2 और 1 मिला के 6 हुए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब ये आम अगर ये 3 बच्चों में बांट देना है तो हर एक को कितना कितना मिलेगा। तो हम लोगों ने कुछ हिसाब हिसाब, ये हम क्लास 2 की बात कर रहे थे जब ये एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हमको सीखना नहीं आता था, तो हम लोग वैसे ही सीखे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला अब शुकुल तू नीचे तब उतरेगा जब वो सबके लिए इतना ही आम आप तोड़ सकते हो। कितना आम तोड़ना पड़ेगा आपको, तो क्लास में कितने लड़के थे गिन गिना के उसने गुना किया वगैरह वगैरह, यू नो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा था वो हमको डांटा बिल्कुल नहीं। एक लड़का पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई डांट नहीं पड़ी, लेकिन उसी स्थिति से उन्होंने सिखाते रहे बैठ बैठ के। और उसके बाद जब सब पेड़ आम थोड़ी उतारा, तो 2-4 आम उतारने के बाद उसने नीचे आ गया। तो जब आ गया तो तब अब उन्होंने बोला कि ये चलो अब आम को उतना तो आम नहीं उतार पाए, अब हम इसको सभी को बराबर हिस्से में बांट दो। ये सिर्फ गणित की शिक्षा नहीं है, ये एक वैल्यू सिस्टम की भी शिक्षा है, जिस सबको बराबर में बांट दो। ये नहीं कीजिए उसने पेड़ पे चढ़ा है तो इसीलिए उसको ज्यादा दिया जाएगा, या जिसे नहीं पढ़ा था जिसका नाम पहले आए थे वो उनको ज्यादा, ज्यादा कम कोई नहीं। ये उसने 3-6 आम उतारा है, अब इसको सब में बराबरी में बांटो। हाँ, उसके साथ साथ गणित भी सीखते रहे हम, लेकिन वो बराबरी की बात भी हम सीखते रहे। ये गुरुदेव की शिक्षा की एक बहुत बड़ा अंग था। ये जो भी है सीखो। और एक बड़ी बात कि ये बच्चों को पीट के पिटाई करके या सीधा लाइन पे लाके शिक्षा नहीं होती, उसको फ्रीडम दो, गिव हिम फ्रीडम, उसको दिखाओ क्या है। हाँ, ये अभी जो बात हो रही थी ये संगीत मूर्ति बनाना ये सब, ये शांतिनिकेतन में कंपल्सरी शब्द नहीं होता। उन्होंने तरह तरह के विचारों पे बात किया है, जैसे कि अभी बात हो रही थी ये डेमोक्रेसी के ऊपर गुरुदेव की बहुत बड़ी एक कहानी है, कहानी नहीं तो तरह तरह की, उनकी तो हर चीज में वो गाना लिख डालते थे जी। उन्होंने गाना लिखा आम्रा सबाई राजा आमादेर राजार राजते रईले मोरा राजार सने मिलबो कि सत्ते आम्रा सबाई राजा। ये एक गाना है, वैसे तो बच्चों का गाना है, हम क्लास 2-3 पे सीखते थे, लेकिन इसका कहना यह है कि हम सभी लोग राजा हैं। राजा कोई ऊपर बैठा हुआ थोड़ी है, राजा हम सबको मान देता है और इसीलिए हम भी उसको प्यार देते हैं, और राजा हमको वो करने देता है जो हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, और इसीलिए हमारा देश सबसे आगे चल रहा है। अब ये एक छोटी सी गाने के माध्यम से वो डेमोक्रेसी के बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोल गए। तो मैं इसी के साथ खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि रविंद्रनाथ एक बहुत बड़ा है और मैं भी उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलने की लायक नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने हमको सुयोग दिया, ये बहुत बड़ी बात है, हम इससे बहुत खुश हैं। जी।
सर आपसे अभी थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पे भी चर्चा होगी, क्योंकि हम लोगों बिल्कुल ने बिल्कुल वो कहानी भी की जो आपने सजेस्ट की थी हमें, तोता वो पहले देखते हैं फिर उस पर बात करेंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। एक था तोता, वो बड़ा मूर्ख था। गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता भी था, पर ये नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है। मंत्री, इस तोते को शिक्षा दो और मेरे भांजे को ये आदेश दो कि वो इस तोते को शिक्षा दे। पंडितों की बैठक हुई। विषय था उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है। बड़ा गहरा विचार हुआ और नतीजा निकला, तोता अपना घोंसला साधारण खरपास से बनाता है। ऐसी रहने की जगह में विद्या नहीं आती, इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। राज पंडितों को दक्षिणा मिली और वो खुशी खुशी अपने घर गए। सुनार को बुलाया गया, वो सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग टूट पड़े। कोई कहता, शिक्षा की तो इति हो गई। अरे शिक्षा ना भी हो तो क्या, पिंजरा तो बना, इस तोते का भी क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर कर इनाम मिला, वो उसी समय अपने घर की ओर रवाना हो गया। पंडित जी तोते को पढ़ाने बैठे, नस लेकर बोले, ये काम थोड़ी पोतियों का नहीं है, कुछ और पोतियां भी लिखवानी होगी। राजा के भांजे ने सुना, मैं अभी पोथी लिखने वालों को बुलवाता हूँ। पोथियों की नकल होने लगी, नकलों के और नकलों की नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा, शाबाश, इतनी विद्या कि धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वो अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया में तंगी का नाम निशान बाकी न रहा। दामी पिंजरे की देखरेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे, इतने व्यस्त कि व्यस्तता की कोई सीमा ही न रही। मरम्मत के काम में भी लगे रहते, फिर झाड़ू पोछा पॉलिश की तो धूम ही मची रहती थी। जो ही देखता यही कहता, उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए और उन कामों की देखरेख करने पर और भी अनेक अनेक लोग लगाए गए। सब महीने महीने मोटे मोटे वेतन लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। वो और उनके चचेरे ममेरे मौसेरे भाई बंद बहुत खुश हुए। बड़े बड़े कोठों बाला खानों में मोटे मोटे गद्दे बिछाकर बैठ गए। संसार में और अभाव तो अनेक है, पर निंदकों की कोई कमी नहीं। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। वो बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी और राजा ने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बातें सुनाई पड़ रही हैं? महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलवाइए, पंडितों को बुलवाइए, नकल निवीसों को बुलवाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को भी बुलवाइए। निंदकों को हलवे मोड़े में हिस्सा नहीं मिलता ना, इसलिए वे ऐसी ओछी बातें करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में सोने के हार पहनाए गए। राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से ये देखे कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और किस तेजी के साथ चल रही है। तो एक दिन वो अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ खुद ही शिक्षाशाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख घड़ियाल ढोल तासे खुरदक नगाड़े तुरहियां भेरियां दमामे कांसे बांसुरिया झाल करताल मृदंग आदि आदि अपने आप ही बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियां फड़का फड़का कर पाठ करने लगे। मिस्त्री मजदूर सुनार नकल नवीस देखभाल करने वाले और उनके ममेरे फुफेरे चचेरे मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना, आश्चर्य शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं है। राजा प्रसन्न होके लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुटमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी है? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, पंडित जी मुझे ये देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया, देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा।
पढ़ाने का ढंग तो तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता तो दिखाई नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा कि अब तोते को देखने की क्या ज़रूरत है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह से समझ लिया था कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो गया था, चीरने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसा ठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कानुमेटू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेड़ देना। इसके कारण तोता दिन पर दिन अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफ़ी आशाजनक हो रही है, फिर भी पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वो उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता था और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। इतना ही नहीं, किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वो अपनी रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में जुटा हुआ है। ऐसा करते देख कोतवाल गरजा, ये कैसी बेअदबी है। फौरन लुहार हाजिर हुआ, आग भाथी और हथौड़ा लेकर। वो धम्मा धम लोहा पिटाई हुई कि कुछ ना पूछिए। लोहे की साकल तैयार की गई और तोते के पंख भी काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने हांडी जैसे मुंह लटकाकर और सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी बेवकूफी नहीं, नमक हराम भी है। और तब पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर वो कांड रचाया जिसे शिक्षा कहते हैं। लुहार की लुहासार बेहद फैल गई, लुहारिन के अंगों पर सोने के गहने शोभने लगे और कोतवाल की चतुराई देखकर राजा ने उसे सिरोपा अता किया। तोता मर गया, कब मरा इसका कोई निश्चय नहीं कर सकता। कमबख्त निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब ये कैसी बातें सुनी जा रही हैं? महाराज तोते की शिक्षा पूरी हो गई है, अब भी वह उछलता फुदकता है। अजी राम कहिए, अब भी उड़ता है? ना कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है? नहीं। एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल आए, प्यादे आए, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया, तोते ने ना हाँ की ना हूँ की। हाँ, उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे। बाहर नव वसंत की दक्षिणी बयार में नव पल्लवों ने अपने निश्वासों से मुकलित वन के आकाश को आकुल कर दिया। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई निराली वगैरह ने सर, थोड़ा सा इस पर कहानी आप ही ने सजेस्ट की थी है, तो थोड़ा बताएं एजुकेशन सिस्टम पे तो पूरा प्रोफेसर साहब। देखिए ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी है जी। हम किताबें के ऊपर किताबें ठोंस देते हैं। यहाँ पे फिगरेटिवली वही बताया जा रहा है, जब उसको पिंजड़े के अंदर किताबें खटास दो, किताबें ठोस दो, क्यों पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम बोलेंगे जी नहीं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, उसमें नंबर चाहिए। तो इसीलिए मोटा मोटे आईआईटी की किताबें और उसका ये किताब वो किताब छप जाती है। हम बाकी पोथियों के साथ ये भी पोथी मुंह में ठोस देते हैं। आगे हम अभी थोड़ा कविताएं सुनते हैं, बच्चों ने कविताएं तैयार की है। बाबा बैठे पुस्तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उस दिन पढ़कर सुना रहे थे तुमको, माँ सच कहना क्या कुछ समझी तुम। ये सब लिखने से क्या हासिल होगा, क्या होना है, कितनी अच्छी अच्छी कहानियां कहती हो तुम, वैसा कुछ क्यों नहीं लिखते बाबा। दादी माने बाबा को क्या परियों वाली कोई कहानी कभी नहीं सुनाई है, या वो सारी भूल गए हैं। स्नान में देरी हो जाए तो
कितनी बार बुलाने जाती हो तुम, खाना परोस कर बैठी रहती हो तुम, उनको वो भी याद नहीं रहता। सारा समय बस लिखना लिखना खेलते रहते हैं। मैं बाबा के कमरे में अगर खेलने जाऊं तो पाजी पाजी कहकर मुझको डांटती हो, थोड़ा सा भी शोर करूं तो बोलती हो, देख नहीं सकते क्या बाबा बैठे लिखते हैं? बोलो तुम, सच बोलो माँ, लिखने से क्या होगा? मैं बाबा के कागजों पर कलम दवात से क ख ग घ लिखता हूँ तो क्यों गुस्सा करती हो तुम? बाबा जब लिखते हैं तो तुम कुछ नहीं कहती। लाइनों वाले कितने कागज बाबा रोज खराब करते हैं। नाव बनाने के लिए मैं एक उठा लूं तो कह देती हो कागज नष्ट नहीं करते? सादा कागज लिख लिख कर काले करने से क्या भ्रष्ट नहीं होते? बोलो तुम। I seem to have loved you in numberless forms, numberless times, in life after life, in age after age, forever. My spellbound heart has made and remade the necklace of songs that you take as a gift, wear round your neck in your many forms, in life after life, in age after age, forever. Whenever I hear old chronicles of love, it's age-old pain, it's ancient tale of being part or together. As I stare on and on into the past, in the end you emerge, clad in the light of a pole star piercing the darkness of time. You became an image what is remembered forever. You and I have floated here on the steam that brings from the fount. At the heart of time, love of one for another. We have played alongside millions of lovers, shared in the same shy sweetness of meeting, the same distressful tears of farewell, old but in shape that renew and renew forever. Today it is heaped at your feet, it has found its end in you. The love of all men's days, both past and forever. Universal joy, universal sorrow, universal life. The memories of all loves merging with this one love of yours. And the songs of every poet, past and forever. Bhagavan, tumi juge juge dud pathayecho bare bare, doyahin shonshare. তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ অবিষ নাশো, বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তব বাহির দ্বারে, আজি দুর্দিনে ফেরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা, কপট রাত্রি ছায়া হেনেছে নিঃসহায়, আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে, বিচারের বাণী নীরবে নির্ভীতে কান্দে, আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে, কি যন্ত্রণায় মরিছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে, কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীতহারা, অমা বর্ষারের কারা লুপ্ত করিছে আমার ভুবন তো স্বপনের তলে, তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো, তুমি কি বেসেছো ভালো? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে,
তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয়ে ওরে ওরে ও অভাগা কেউ কথা না কয়ে যদি সবাই তাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়ে যদি সবাই তাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়ে তবে পুরাণ খুলে ও তোই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ও তোই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো রে मैं एक चीज मुझे ये सब सुनते हुए याद आ रहा था जो एक रविन्द्रनाथ का एक और दिशा है जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है जी। उनके नेहरू के साथ गांधी के साथ चर्चाओं के बारे में काफी तो बातें हुई जी। लेकिन और एक थे उनका चेला सुभाष चंद्र बोस जी जी जी। सुभाष बोस ने उनको एक चिट्ठी लिखा था कि ये गुरुदेव हमको ये देश के आजादी के लिए कुछ प्लानिंग करना है और इसके लिए आपके आश्रम बहुत अच्छा जगह रहेगा हम यहाँ पे बिल्कुल छुप के रहेंगे छुप के आराम से करेंगे। गुरुदेव ने बोला कि ये देखो दो दुख थे वो थे और चित्तरंजन दास भी थे चित्तरंजन दास सुभाष बोस के गुरु थे जैसे ही थे तो उन्होंने बोला कि ये हम दोनों को बैठ के चर्चा करनी है तो गुरुदेव ने बोला कि ये देखो आप दोनों बैठ के चर्चा करोगे और ये दुनिया को पता नहीं चलेगा ये तो हो नहीं सकता और इससे मतलब एक आप ये तो टेररिज्म की प्लानिंग है ये तो गड़बड़ हो जाएगा तो उन्होंने बोला लेकिन इसकी एक बाहर दिखाने वाली होना चेहरा होना चाहिए तो उन्होंने एक आश्रम जैसी बनाया शांतिनिकेतन से अलग 4 किलोमीटर की दूरी पर है जिसका नाम दिया उन्होंने अमार कुटीर। तो अमार कुटीर के सामने के जो हिस्सा है वहां पे उन्होंने बोला कि जी यहाँ पे शांति निकेतन की बच्चों की बनाई हुई चीजें मूर्ति कलाएं ये सब बिकेगी और पीछे का जो हिस्सा है वो आप दोनों शांति से बैठ के चर्चा कर सकते हो। तो दुनिया को दिखाने के लिए ये एक हैंडीक्राफ्ट शॉप है लेकिन एक्चुअल पर्पस है देश की प्लानिंग। ये जो ये भी एक तरह का एक नया चेहरा है सॉलिड पॉलिटिकल स्टेटमेंट जी भाई वैसे सामने बैठ के प्लानिंग करोगे तो पुलिस को पकड़ के ले जाएगा पीछे बैठो जी जी सूझबूझ भी है ये। और তো হম সিসে হম ইস প্রোগ্রাম কান করতে হাই মোরে ঘর আছে আমি সেই ঘর মোরে খুঁজিয়া দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি সেই দেশ লব জুঝিয়া পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই তারই মাঝে মোর আছে যেন ঠাই কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধানে লব বুঝিয়া ঘরে ঘরে আছে পরম আত্মীয় তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া রসিয়া রসিয়া নব বসন্তে ফুল সুগন্ধ গগনে কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন বিহীন মিলনের শুভ লগনে আপনার যারা আছে চারি ভিতে পারিনি তাদের আপন করিতে তারা নিশি দিশি জাগা ইচ্ছে চিতে বিরহ বেদনা সঘনে পাশে আছে যারা তাদেরই হারায়ে ফিরে প্রাণ সারা গগনে ট্রেনে পুলকিত জেমা তীর ধরা লুটায় আমার সামনে শিয়া মায়ে ডাকে এমন করিয়া কেন যে কবতা কেমনে মনে হয় যেন সেতুর তলে যুগে যুগে আমি ছিনু ত্রিনে জলে সেতু আর খুলি কবে কোনে ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে সেই মুখ মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকায় আমার পানে সে লক্ষ যোজনে দূরের তারকা মোর নাম যেন জানে সে যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহানি চিরদিবসের ভুলে যাওয়া বাণী কোন কথা মনে আনে সে অনাদি উষার বন্ধু আমার তাকায় আমার পানে সে এ সাত মহলা ভবনে আমার চিরজনমের ভিটাতে স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে দূরে এসে ঘর চাই মাঝি বারে আপনার বাঁধা ঘরে দেখি পারে ঘরের বাসনা মিটাতে প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায় চিরজনমের ভিটাতে যদি চিনি যদি জানি বারে পাই ধুলারেও মানি আপনা ছোট বড়হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা হই যদি মাটি হই যদি জল হই যদি তৃণ হই ফুল ফল জীব সাথে যদি ভিড়ি ধরা তল কিছুতেই নাই ভাবনা যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে অন্তবিহীন আপনা বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতিকণা মোরে টালিছে আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শত কোটি কর হানিছে ওরে মাটি তুই আমার একি চাস মোর তরে জল দুহাত বাড়াস নিঃশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস চির আহ্বান আনিছে পর ভাবি যারে তারা বারে বারে সবাই আমারে টানিছে আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায় আনন্দ আছে নিখিলে মিথ্যায় ঘেরে ছোট কণাটিরে তুচ্ছ করিয়া দেখিলে জগতের যত অনুরেণু সব আপনার মাঝে অচল নীরব বসিছে একটি চির গৌরব সে কথা যদি না শিখিলে জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে ধুলা সাথে আমি ধুলা হয়ে রব সে গৌরবের চরণে ফুলো মাঝে আমি হব ফুলো দল তাঁর পূজারতি বরণে যেথা যাই আর যেথায় চাহিরে তিল ঠাই নাই তাহার বাহিরে প্রবাস কোথাও নাহিরে নাহিরে জীবনে জীবনে মরণে যাহা হই আমি তাই হয়ে রব সে গৌরবের চরণে ধন্য রে আমি অনন্তকালে ধন্য আমার ধরণে ধন্য এ মাটি ধন্য সুদূর তারকা হিরণ বরণে যেথা আছি আমি আছি তাঁরই দাঁড়ে নাহি জানি টান কেন বল কারে আছে তারি পারে তাঁরি পাড়া বারে বিপুল ভুবন তরণী যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি ধন্য এ মোর ধরণী।